शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली विद्या भारती ने दावा किया है कि वह विश्व का पूर्व छात्र परिषद संगठन में सबसे बड़ा परिषद बन गया है। इस पूर्व छात्र संगठन से जुड़े तमाम विद्यार्थी अलग अलग स्थानों पर अपना जिम्मा संभाल रहे हैं और इन्हें अब विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले सेवा कार्य के लिए प्रेरित किया जाएगा। विद्या भारती के चित्तौड़ प्रांत प्रचार प्रमुख नवीन झा ने बताया कि विद्या भारती के पूर्व छात्र परिषद के सदस्यों की संख्या 3,56,000 के पार पहुंच गई है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। विद्या भारती द्वारा देश भर में 12,830 औपचारिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें भारत को सर्वोपरि मानते हुए शिक्षा देने के साथ ही भारत केंद्रित सरकार युक्त समाज पोषित शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है। इन स्कूल में 1,00,000 से अधिक विद्यार्थियों को अध्ययन करवा रहे हैं। विद्या भारती द्वारा संचालित स्कूल अलग अलग गांव, डाणी व जनजाति क्षेत्र में है। विद्या भारती से जुड़े विद्यार्थी अपनी शिक्षा लेने के साथ ही सेवा कार्य में होते हैं और उन्हें हर क्षेत्र में काम करने में महारत हासिल होती है। ऐसे में इन दिनों कोविड-19 महामारी के साथ ही कई अन्य समस्या सामने आई थी। इन सभी में भी विद्या भारती के पूर्व छात्रों द्वारा देश भर में सेवा कार्य किए गए थे। इसके साथ ही देश की संस्कृति और गौरव के साथ ही देश को सर्वोपरि मानते हुए विद्यार्थियों द्वारा कार्य किया जा रहा था। ऐसे में इन सभी विद्यार्थियों को पोर्टल के माध्यम से एकजुट किया गया और आगामी दिनों में इसकी संख्या और अधिक बढ़ेगी। इन सभी विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार देश की प्रगति और संस्कृति के साथ पर्यावरण व आत्मनिर्भर भारत बनाने के कार्य में लगाया जाएगा। इसके लिए सभी से संपर्क करने के साथ उन्हें निर्देशित किया जा रहा है। विद्या भारती के जो पूर्व छात्र हैं, उनको समाज जीवन और राष्ट्र जीवन में सक्रिय योगदान के लिए उनको उत्साहित करना, उनको प्रेरित करना। आज विद्या भारती के पूर्व छात्र विश्व के ऐसे पहला संगठन बन गया है जिसमें 3,56,000 पूर्व छात्र जुड़ गए हैं और ये काम और अधिक गति से हम करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के विद्या भारती अपने पूर्व छात्रों को समाज जीवन में और राष्ट्र जीवन में सक्रिय योगदान के लिए प्रेरित कर रही है। इस तरह से आप उनको सक्रिय योगदान में लाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में आपके साथ युवा पीढ़ी जुड़ेगी, तो कोविड काल भी है और कई ऐसे काम करने वाले। हम प्रत्येक विद्यालय के अनुसार छात्रों को संगठित कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं और प्रत्येक विद्यालय के हिसाब से उनकी बैठकें करते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं और उनकी रुचि और उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको काम के लिए प्रेरित करते हैं। जो आपकी जो रुचि है, क्षमता है, उस हिसाब से अपना काम करें। किस तरह से आप अभी तक प्रथम दृष्टया आपने बात की किसी से, किस तरह की रुचि है विद्यार्थियों? अभी जैसे विद्या भारती के जो पूर्व छात्र हैं, चित्तौड़ प्रांत में हमने 90 विद्यालयों से संवाद किया है। लगभग औसत 25-30 प्रमुख जो सक्रिय छात्र हैं उन्होंने भाग लिया है और उनको हमने आपके जैसे सेवा क्षेत्र है, पर्यावरण है, स्वदेशी है, जैविक खेती है, कुटुंब प्रबोधन है, समाज में परिवार की व्यवस्था को कैसे ठीक करना चाहिए, समाज में किस प्रकार की कुरीति को ठीक करना चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका क्या योगदान हो सकता है, नई पीढ़ी को क्या अपनी जो कौशल है, स्किल है, वो क्या दे सकते हैं, उनके पास जो स्किल है वो नई पीढ़ी को दें, इसके लिए प्रेरित करना और समाज में जो वंचित हैं, उपेक्षित हैं, उनको सामाजिक समरसता के लिए सेवा के क्षेत्र में उनको प्रेरित करना। ये आकलन किस तरह से किया गया जो आप बता रहे हैं? ये हमने पोर्टल के हिसाब से पूरे भारत में प्रत्येक छात्रों का पंजीकरण कराया है और उसके बाद विश्व के आधार पर जो रिकॉर्ड मंगवाए हैं तो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों की संख्या जो आई है उसके आधार पर हमने इसका मूल्यांकन किया है। आपका नाम? नवीन कुमार झा, विद्या भारती, राजस्थान, प्रचार प्रमुख।